हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका लाइट चैप्टर में जितने भी फार्मूला यूज हुए हैं, चाहे वो स्फेरिकल मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपका थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी वीडियो कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग आज सिर्फ फार्मूला देखेंगे कि जितने फार्मूला यहाँ पर यूज होते हैं न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, वो सब फार्मूला हम लोग देखेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो चलेंगे लेके हम लोग मिरर से। मिरर में जितने भी फार्मूला यूज होते हैं उसके लिए सबसे पहला जो फार्मूला आपका आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका फोकल लेंथ का डबल होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर बोलते हैं। तो आर बराबर 2f, f हो गया फोकल लेंथ। पहला फार्मूला हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 2 इंटू फोकल लेंथ। सेकंड फार्मूला जो आपका है वो हो जाएगा आपका मिरर इक्वेशन का। मिरर इक्वेशन का फार्मूला हो जाएगा और वो हो जाता है 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। ये था आपका मिरर इक्वेशन और इसका डेरिवेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। चलते हैं अपने थर्ड वाले फार्मूलर पे। वो आपका फार्मूला आता है मैग्नीफिकेशन से। ठीक है, मैग्नीफिकेशन में होता क्या चीज़ है देखिएगा। m बराबर हो जाता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा माइनस h i / h o जो है, यहाँ पे देखिएगा जब ये रियल का केस होता है, तो जब आपका रियल इमेज बनेगा तब आपका हो जाएगा -hi / ho इक्वल टू -v/u। और एक मैग्नीफिकेशन हो जाता है hi / ho इक्वल टू -v/u, और ये आपका तब होगा जब आपका वर्चुअल इमेज बनता है। फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए हो गया मैग्नीफिकेशन। जो पांच पार्ट आपका यहाँ पर से होगा वो हो जाएगा कॉनकेव के लिए, और एक इसमें भी आपका वर्चुअल बनता है जब ऑप्टिक आपका पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो। और ये जो आपका है ये बेसिकली आपका यूज हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो मेन रूप से देखिएगा तो आपका तीन फार्मूला निकल जाता है मिरर से। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4। ये आपका रिफ्रैक्शन का पार्ट है, इसको लेंस में भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल बोल दीजिए रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या चीज़ है, मान लीजिए कोई भी मीडियम आपका ग्लास है और एयर के यहाँ का कंपेरिजन किया गया, ग्लास में आपका पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए जो भी मीडियम होगा ये मीडियम का स्पीड हो जाएगा, ये मीडियम के लिए होगा। और ये जो है आपका वैक्यूम में जो आपका स्पीड का लाइट होगा। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ नंबर फार्मूला। चलते हैं हम लोग इसके आगे फिफ्थ नंबर पे। ये आ जाता है लेंस फार्मूला। ठीक है, अब आता है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला बेसिकली हम लोग जब याद करने के लिए बोले थे आपका मिरर इक्वेशन, तो वहाँ पर हम इसी फॉर्म में बोले थे। कुछ लोग आपका इस फॉर्म में याद कर लेता है मिरर इक्वेशन को, 1 by f इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v। कोई दिक्कत नहीं है इसे याद करने में, लेकिन जब आप लेंस फार्मूला याद कीजिएगा, जब लेंस फार्मूला याद कीजिएगा तो यहाँ पर अगर हम ऐसे याद करेंगे तो फिर वो आपका हो जाता है 1 by f इक्वल टू 1 by v 1 by u। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसी कारण हम बोले थे इस फॉर्म में याद मत कीजिए मिरर को, याद कीजिए 1 by v प्लस 1 by u के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसमें माइनस, तो ये लेंस फार्मूला हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में जो आपका लेंस फार्मूला हो जाता है 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u, ये आपका था लेंस फार्मूला।
आपका सिक्स नंबर जो आपका फार्मूला है वो फिर से मैग्नीफिकेशन से है, ये आपका किससे है, मैग्नीफिकेशन। मिरर में भी मैग्नीफिकेशन हम लोग देखे थे थर्ड नंबर पे, और सिक्स नंबर पे आपका लेंस का मैग्नीफिकेशन के बारे में यहाँ पर है। यहाँ पे हो जाता है मैग्नीफिकेशन बराबर माइन एच आई बटा एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। और यहाँ पे देखिएगा सेम केस, यहाँ पर जो आपका वो सेम यहाँ पर वाला ही केस होने वाला है। यहाँ पर भी अगर देख लेते हैं, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो वहाँ पे आपको रियल इमेज मिलेगा, और रियल इमेज मिलेगा कुछ इस टाइप का। मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किए तो आपका इमेज यहाँ समथिंग कहीं मिला, ठीक है। एक्चुअली यहाँ मिलता नहीं है और थोड़ा दूर में मिलेगा, सपोज़ कीजिए यहाँ पे मिलता है तो ये उल्टा है, नीचे का जो वैल्यू होगा निगेटिव, ऊपर का वैल्यू होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन आपका होगा, अगर हम लोग रियल इमेज मिलेगा तो वहाँ से आपका माइनस होगा। फॉर रियल इमेज एम इज निगेटिव, ठीक है, फॉर वर्चुअल इमेज एम इज पॉजिटिव, ठीक है। देखिए वर्चुअल कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर कॉनकेव लेंस अगर लेते हैं यहाँ पे रखें तो हम लोग को इमेज जो है समथिंग यहाँ कहीं मिलता है, तो इसका हाइट भी ऊपर, ऑब्जेक्ट का भी हाइट ऊपर, और ऊपर का वैल्यू जो होता है बाई एक्सिस के अलोंग में है तो ये पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपका यहाँ से मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर रियल मिलता है तो वो इन्वर्टेड होता है, तो वो नीचे की ओर बाई डैश पे होगा तो वहाँ से निगेटिव हो जाएगा। तो फॉर रियल इमेज एम इज़ निगेटिव, फॉर वर्चुअल इमेज एम इज़ पॉजिटिव। तो ये था आपका छः फार्मूला, और यहाँ पर से एक आ जाता है पावर का फार्मूला जिसको बोल देते हैं सेवन्थ नंबर। ये था आपका पावर के लिए, पावर क्या हो जाता है, पावर बराबर वन अपॉन फोकल लेंथ। यहाँ पर से क्या होगा, पावर जो है वन अपॉन फोकल लेंथ, लेकिन यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज इन मीटर। यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा मीटर में। सेम यहाँ पर देख लीजिए कि अगर फोकल लेंथ आपका निगेटिव में आएगा तो पावर आपका निगेटिव में होगा, और फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव में आएगा तो पावर भी पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ से हम लोग को जो इतना भी फार्मूला था, मेन रूप से आपका यहाँ पे सात फार्मूला है, सातों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ये आपके न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बिना आपका न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके बिना संभव नहीं है न्यूमेरिकल बनाना। और साथ में नोटेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो नोटेशन का वीडियो भी आप देख लीजिए, और ये आपका रहा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्त के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।